Good morning, students. In this lecture, today we will continue with the sericulture. How to take care of cocoon after rearing of larvae? We have to wait for the formation of cocoons. When cocoon formation takes place, then how we can take care of cocoon? So, the larvae that span the cocoon. एंड द क्वालिटी ऑफ ककून दैट डिपेंड्स ऑन द एन्वायॉर्मेंट कंडीशंस कैसी कंडीशंस हमने प्रवेल की हैं हाइजीनिक कैसी हैं टेम्परेचर कैसा है ह्यूमिडिटी कितनी है दैट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ द का सो द ऑप्टीम टेम्परेचर जो है दैट शुड भी ट्वेंटी फोर डिग्री एंड ह्यूमिडिटी सिक्सटी टू सेवेंटी डिग्री so we have to take care of the ventilation also means the crossing of the air should be in mind it should be like this humidity if reduced but it should not be larvae or worm should not be in the direct contact of the air wind or sun direct sun और कैटरपिलर ने जब अपने राउंड कैकून आपको कैकून अपने व्हाइट कलर का देखा होगा इट्स प्योर वाइट कैकून और कैटरपिलर जब स्पन करता है अपना अपने राउंड ये स्पन करता है कैकून को तो ये क्या करता है अपनी स्किन को कास्ट ऑफ करता है ठीक है और इट इज क्रूशियल टू हार्वेस्ट द कैकून एट द राइट टाइम सो हमें ध्यान रखना है कि हमने काकून को कब हार्वेस्ट करना है जैसे ट्रॉपिकल एरियाज हैं कर्नाटका आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल जो हार्वेस्टिंग का राइट टाइम जो है कोकून का वो है फिफ्थ डे दे आफ्टर देयर फॉर्मेशन, और जो टेम्परेट एरिया है, जैसे कश्मीर है यहाँ पर टेम्परेचर कम है वहाँ पे हम सात से आठ दिन के बाद कान को हार्वेस्ट कर सकते हैं सो दिस इज़ द हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ द काकूं एंड नेक्स्ट इज द पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ काकून मतलब एक बार हमने अब कैकून कट्ठी कर ली है उसके बाद क्या करना है अब इंडस्ट्रियल पार्ट्स किन का स्टार्ट हो गया सिल्क इंडस्ट्री मतलब स्टार्ट हो गई इसमें हमने क्या करना है कैकून को इकट्ठा कर लिया उसके बाद हमने इसकी करनी है शिफलिंग स्टिफलिंग शिफ्टिंग में हमने क्या करना है किलिंग ऑफ द प्यूपा इन साइड द काकूनकून के अंदर जो प्यूपा है बन गया हुआ है कैटरपिलर जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू प्यूपा उसकी किलिंग करनी है सो so, इसके लिए हमने क्या करना है द पर्पज इज़ टू प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ मोथ कि वो मोथ uh, में कन्वर्ट ना हो जाए तो उसमें हमने क्या करना है ककून की कटिंग करनी है एंड रेंडरिंग दम अनियल रीलेबल उसकी जो अन रीलिंग की जो है उसको अन रीलेबल बनाना है एंड जिस इज अचीव बाय सन हीटिंग पूरा धूप में अगर हम उसको रखेंगे या फिर बॉइलिंग वाटर में डालेंगे या स्ट्रीम में स्टीम स्टिफनिंग कर देंगे आफ्टर टेन डेज ऑफ के कन्फॉर्मेशन तो अंदर जो टूपा बना हुआ है कैटल पिलर से या मोथ बनने की तैयारी में है वो जो है उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसको हमने आ, मारना है उसके बाद कैकून बॉइलिंग कैसे करनी है हमने उसमें इमर्जिंग द कैकून इन बॉइलिंग वाटर डिजोल्व द गमी मटीरियल डेट बाइंड वाइंडिंग सेगमेंट ऑफ द थ्रेड ठीक है जो बाइंडिंग सेगमेंट ऑफ द थ्रेड होता है उसमें बॉयलिंग वाटर क्या करता है वो डिज़ोल्व करता है गमी मटीरियल और जो उससे क्या होएगा दस वन एंड ऑफ द सिल्क कैन ईजीली भी ट्रेसड आउट सो दिस इज हाउ वी बट वी हैव टू डू इन द पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस